आज देश भर की नज़र चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के आने वाले नतीजे पर है। चुनाव आयोग ने असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया है। शाम तक नतीजा सामने आ जाएगा। इसी के साथ ही साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को हुए मतदान में करीब 88% लोगों ने वोटिंग की थी। तमिलनाडु में भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख एल मुरुगन सहित करीब 4000 उम्मीदवार मैदान में हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस भाजपा गठबंधन और कांग्रेस द्रमुक गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, भाजपा के राज्य इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन, मेट्रोमैन इंजीनियर श्रीधरन और पूर्व केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोन सहित 957 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में 108 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। आयोग ने बताया कि राज्य के 23 जिलों में फैले मतगणना केंद्रों पर कम से कम 292 सुपरवाइजर और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 256 कंपनियों को तैनात किया गया है।